Four day long World Sufi Forum ended in New Delhi with a resolution condemning terror in all its forms. The event was organized by the All India Ulam and Mashaikh Board. More than 200 Indian and international delegates, including Sufi scholars, academicians, and masters of Sufism, participated in the event. Eminent Pakistani Islamic scholar Tahirul Qadri praised the role of India in promoting world peace. The four-day World Sufi Forum concluded in New Delhi with about 200 scholars from 20 countries coming out in one voice to condemn terrorism in all forms and manifestations. It was also said that Islam accords the topmost importance to loyalty to the nation. The conference also reposed unstinting faith in the Constitution of India. Ganga-Jamuni Yaha ki misali Jamhuriyat or Hindustani Taksiri Samaj. की तारीफ व तोसीक़ करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि ये बातें हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का दर्जा रखती हैं कि हम हिंदुस्तान के इस फख्रिया तहजीब का एहतराम करते हुए इसकी मजबूती और इस्तेकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे

पुरजोर अपील करते हैं कि इस तरह के इस्लाम दुश्मन अमन आमा को पामाल करने वाली तंजीमों से अपने आप को अलग रखें और कुरान व हदीस की उन तशरीहात पर यकीन रखें जो जमहूर उम्मत और सूफिया की हैं जिनकी रोशनी में दुनिया को अमन और शांति का

इस्लाम में दाखिल करते रहे इंतहा पसंद हमेशा खारिज करते रहे टोकिंगठ रिट सिलीजन टीचर्सिटी आज के दहशत गर्द आईसिस हो या अलकायद किसी भी नाम से हों ये इस वक्त के बदतरीन खबारज हैं बदतरीन खबारज हैं इनके मजहब में इंसानियत का कत्ल करना जायज है इख्ताफ करने वाले का गला काटना ये इनका फिक्र नजरिया और मजहब है Talking about relations between India and अबाउट and, and resources of both the nations should be used to fight against them. ये समझ लेना चाहिए इंडिया को कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है दोनों खितों के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं फॉर्म ऑफ इस्लाम गिव्स द मैसेज ऑफ लव ब्रदरहुड एंड यूनिटी विद ब्यूरो इनपुट्स अजय विक्रम सिंह रिपोर्ट न्यूज़ ऑलराइट न्यूज